ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a जय श्री गणेश करते हैं क्योंकि मेरी हालात ऐसी है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। बिहार में कुट कुट का टैलेंट भरा हुआ है। कुट कुट मैं सही करूँ क्या? थैंक यू कनिष्का गुला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, तो ताकि जब भी सबसे पहले वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। अच्छा आज हम हैं आ चुके हैं अगेन पटना में ही हैं, हम पटना से बाहर नहीं गए हैं बिकॉज दिस इज द डे टू ऑफ द YSCL क्रिकेट ट्रायल्स ऑफ पटना। सो पटना के ट्रायल का ये दूसरा दिन है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड को देखते हुए सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो इसलिए हमने दो दिनों में डिवाइड कर दिया था। तो कल हुआ था 14 से 16 अंडर एज का इनका ट्रायल और अब है अपर वाली एज का। सो अब लगा लीजिए आज क्या होने वाला है। जितना कल एनर्जी से भरे हुए बच्चे थे आज भी उतने ही हैं, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूज आ रहे हैं अभी भी एंड ग्राउंड में भी बच्चे वेट कर रहे हैं। तो चलिए एक बार करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट और बिना किसी देरी करे जय श्री गणेश करते हैं क्योंकि यंगस्टर क्रिकेट लीग में ना बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं पटना ट्रायल्स के लिए। चलिए बिहार से देखते हैं आज कितना प्यार मिलने वाला है, आइए। सो ऑलराइट हम लोग ग्राउंड के अंदर हैं एंड ग्राउंड के अंदर जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे वहाँ जो सारे बच्चे हैं दे ऑल आर डूइंग द ट्रायल। मैंने जैसे कि बताया था कल हुआ था ट्रायल अंडर 14 का, अंडर 16 का ट्रायल था, आज ट्रायल है उसे अपर एज वालों का एंड यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं एंड ऑल दो यहाँ पे एक चीज़ का और वेट हो रहा है कि ट्रायल्स के साथ साथ मैच क्या होने वाला है। तो आज यहाँ होने वाला है, वैसे बेसिकली जैसे हमने कल करा था बच्चों के कुछ रिव्यूज़ लिए थे, हमने पूछा था कि बिहार के अंदर ट्रायल्स एंड ऑल मतलब कैसा लगा, कोच इसका बिहेव कैसा लगा, YSCL कैसा लगा। तो आज दोबारा से वही सब चीज़ करेंगे, थोड़ा फन स्टार्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं उधर की तरफ क्योंकि वहाँ बच्चे वेट कर रहे हैं, यहाँ कुछ पेरेंट्स भी, पेरेंट्स से ही बात करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ करनी है। आपको सबको काउंटिंग का पता लग गया होगा, इवन ऑड का चक्कर सबको पता है, दिल्ली में बहुत चला है।
तो यहाँ भी चल जाएगा, थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं, ठीक है। तो वन कौन सी टीम है और टू थ्री कौन सी है, फोर कौन सी है, फाइव कौन सी है, सिक्स कौन सी है, ठीक है, सेवन कौन सी है, एट कौन सी है, नाइन और टेन, ठीक है। चलो अब इसमें से मैं सोचना कि मैं एक दो ही बोलूंगी, हो सकता है मैं बीच का नंबर बोलूंगी। नाउ इट्स योर टर्न, ठीक है। सी योर एक्टिवेट, आर यू गाइस रेडी? रेडी है तैयार बिहार अभी ग्राउंड के अंदर है। जैसे हमने देखा एक छोटी सी ड्रिल हमने अभी पेरेंट्स की करवाई थी और बच्चों की करवाई थी दोनों की, एंड ये ड्रिल बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी क्योंकि मैंने बताया ना कहीं एनर्जी मिले ना मिले बिहार में हमेशा ऑलवेज एनर्जी मिलती है। यहाँ के टैलेंट है ना इतना भरपूर रहता है ना कि पहले डे वन के अंदर भी इतना कुछ था मैं बता नहीं सकती। अब वीडियो देखोगे तो समझ ही जाओगे क्या था, और डे टू के अंदर भी आज बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं, आज थोड़ा फन वेज में लगते हैं और थोड़ा आज बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले बार हमने गाना गवाया था यार। अब की बार मैं सोच रही हूँ थोड़ा फिर दोबारा सुन लेते हैं बिहार का गाना। हाँ आइए चलिए। देखते हैं आज के दिन कौन कौन हमें मिलता है जो बोलते हैं हम नहीं जानते हैं। भाई मेरी वीडियो जो देख रहे हो ना प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। आप ज़रा कैमरा देखिए, हेलो कोई बात नहीं। अच्छा आज है ना मैं एक छोटा सा एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से, पहले तो ये बताओ वाई सी एल के ट्रायल में आपको कैसा लग रहा है? लग तो नहीं रहा, लग रहा है अभी फील आ रहा है? कैसा फील आ रहा है? इतनी सारी क्लैपिंग बजी थी वहाँ तुम्हारे लिए, सुनी थी? तो थोड़ा आई एनर्जी है इसमें, तो अब एक काम करते हैं एनर्जी के लिए थोड़ा एक और काम करते हैं। थोड़ी स्ट्रेस होगा सबको, नर्वसनेस हो रखी है कि कैसा कैसे होगा, चलो स्ट्रेस भगा दे, भगाए थोड़ा आगे आओ, अरे भाई आगे आ जाओ, रिलैक्सेशन कर ले। ओके, आज गुड शॉट के साथ में एक और चीज़ करेंगे हम, गुड सिंगिंग भी देख लेते हैं बच्चों की कि कैसे गा रहे हैं बिहार की, क्यों भैया मतलब बिहार की बात ही अलग होती है। चलिए शुरू करें, ठीक है गाइए। भैया तालियां हो जाए अपने लिए। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो, मेरी हालात ऐसे है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अभी हम बच्चों से थोड़ा फन पार्ट तो कर लिया क्योंकि फन पार्ट करना जरूरी था, अभी जब तक ये माइंड में स्ट्रेस था ना इनका, स्ट्रेस आउट हो चुका उतर गया थोड़ा बहुत कि माइंड अब कैसे खेलेंगे कैसे नहीं खेलेंगे। देखो कूल डाउन उनको खेलना है और बढ़िया ट्रायल देना है। तो अब मुझे सिर्फ बताओ YSL में आपका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। YSL में 6 महीने बाद में जब क्रिकेट नहीं था एकदम से क्रिकेट स्टार्ट हुआ, कैसा फील था वो ग्राउंड पे आकर, क्या फील थी वो? बहुत अच्छा, मतलब कोई ऐसा था कि भाई कुछ वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते, कुछ ऐसी एक्साइटिंग फीलिंग थी अब भाई मैच जाऊंगा तो आज ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसा कुछ? बहुत एक्साइटेड थे। क्या मन में आया था ग्राउंड पर? नए गेम है, बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर, मतलब कि ग्राउंड पे आया नहीं था और था कि मैं जाऊंगा तो फिर क्या होगा वहाँ पे, तो मैं बहुत सारा एक्साइटमेंट था, नर्वसनेस भी था, मतलब कि क्या देखने को मिला, तो फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला है तो मैम कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म है YSL, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बेहतर करना है और क्या। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखिए इसी तरीके से है ना
अपने आप को ट्रायल देना है, बेटर करना है. और देखिए गलतियों से सीखिए. अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो मिस्टेक से आप देखिए, कोचेस यहाँ पे है बहुत सपोर्टिव है, कुछ गलती होती है बताते हैं, और आपको नहीं समझ आता तब भी बताते हैं. तो गलतियों से सीखिए और इम्प्रूव करिए, बिकॉज नहीं हो सकता है कि वन टाइम में क्लियर हो जाए. और भी हो भी सकता है कि आपका वन टाइम में क्लियर हो भी जाए तो नेक्स्ट में क्या हो जाए, क्योंकि गलतियाँ जितना इंसान जो करता है ना वो ज़्यादा सीखता है. तो इसी तरीके से चलते हैं और आगे चलते हैं. अब देखते हैं और बच्चे भी हमारे पास में, देखते हैं क्या है, किसके पास में टैलेंट और क्या आज किसको कैसा लग रहा है भाई.